वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों यदि आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हो, तो दोस्तों सोलर पैनल कौन सी पावर को जनरेट करते हैं, क्या AC पावर जनरेट करते हैं या क्या DC पावर जनरेट करते हैं, क्या सोलर पैनल AC पावर भी अपन आउटपुट में निकालते हैं, सभी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हो, उसका हम उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास यहां पर तीन प्रकार के यहां पर सोलर पैनल रखे हुए हैं। यदि आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हो तो जल्दी से जल्दी अपने घरों में सोलर पैनल लगवाइए, क्योंकि सोलर पैनल क्या होते हैं, आपकी बिजली की भी बचत करते हैं, आपके यहां पर पैसों की भी बचत करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी यहां पर स्टोर कर रखते हैं। मतलब ये अच्छी ग्रीन एनर्जी यहां पर जनरेट करते हैं। तो आपको यहां पर दोस्तों जो सोलर पैनल होती है वो AC जनरेट करते हैं या DC जनरेट करते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास कितने सोलर पैनल है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो जैन सोलर कंपनी का मेरे पास एक सबसे बड़ा वाला सोलर पैनल है। देख सकते हो ये 100 वोल्ट और 12 वोल्ट की पावर जनरेट करता है। और यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर इस प्रकार से यहां पर 36 सेल लगे हुए हैं, 36 सेलों से मिलाकर बना हुआ है सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल को मैंने यहां पर 1 से 1.5 साल पहले 3000 रुपए में ऑनलाइन परचेज किया था। ये जैन सोलर कंपनी का हमारे पास सोलर पैनल है। अब आते हैं उसे छोटे वाले सोलर पैनल की तरफ। यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास है लूम सोलर कंपनी का यहां पर सोलर पैनल, ये भी 36 सेलों से बना हुआ 12 वोल्ट और यहां पर 20 वोल्ट का सोलर पैनल। ये 100 वोल्ट का है और यह 20 वोल्ट का सोलर पैनल है। दोनों की बॉडी आप यहां पर देखोगे तो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। जो भी सोलर पैनल आप लोगे तो वो एल्यूमिनियम की बॉडी के साथ ही आपको यहां पर मिलेंगे। इसके यहां पर फ्रंट में आपको ग्लास दिखाई देगा, इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है जिससे आपकी जो धूप कर पड़े वो आपके डायरेक्ट सोलर सेल्स पर आराम से गिर सके। तो ये हमारा जो लूम सोलर कंपनी का ये सोलर पैनल मेरे को यहाँ पर 1450 रुपए में, मैंने इसको ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाया था। यदि आपको इस सोलर पैनल को यदि आपको खरीदना है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। यदि आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। तो अब आते हैं हमारे पास छोटे सोलर पैनल की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो छोटे छोटे हमारे पास सोलर पैनल यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर 1.5 वोल्ट की पावर यहाँ पर जनरेट करते हैं। ऐसे हमारे पास दो सोलर पैनल है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी भी बॉडी यहाँ पर एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम की यहाँ पर बनी हुई है। इसको भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। इसको तो मेरे पास कम से कम 5 से 6 साल पहले मैंने इसको यहाँ पर ऑनलाइन परचेज किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से मेरे पास दो सोलर पैनल है। तो अब आते हैं कि दोस्तों जो सोलर पैनल होते हैं वो AC जनरेट करते हैं या DC जनरेट करते हैं। सभी सोलर पैनल जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं वो हमेशा DC ही आउटपुट में आपको देंगे, वो AC आउटपुट में नहीं देंगे। पर आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको AC आउटपुट में भी करंट देने लगी है, मतलब AC आउटपुट भी देने लगे हैं। ऐसे सोलर पैनल बनाती है, वो कैसे बनाती है, जो आपका यहाँ पर सोलर पैनल होता है, जैसे आप सकते हो कि हमारे पास सोलर पैनल है, तो इस सोलर पैनल के पीछे जो यहाँ पर एक देख सकते हो जंक्शन बॉक्स होता है। जंक्शन बॉक्स के यहाँ पर स्थान पर जो कंपनियां क्या करती हैं, एक यहाँ पर इन्वर्टर लगा देती हैं। वो इन्वर्टर क्या करता है, इस सोलर पैनल से आने वाले DC करंट को AC करंट में बदल देती है और आउटपुट में यहाँ पर आपको AC मिलता है। इस प्रकार से वो पीछे एक इन्वर्टर लगा देती है, वो इन्वर्टर ही आपके DC को AC में बदलता है। जो आपका पैनल होता है वो AC करंट जनरेट नहीं करता, वो DC जनरेट करता है, बट आपका जो इन्वर्टर होता है वो DC को AC बदल देता है। इसी प्रकार से मार्केट में कई सोलर पैनल आपको AC वाले भी मिलेंगे। पर आपको क्या कर लेना चाहिए, आप AC वाला भी लगवा सकते हो, DC वाला भी लगवा सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको DC वाला ही यहाँ पर मतलब सोलर पैनल खरीदना चाहिए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करिए और बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो अपने इन्वर्टर से, बड़े इन्वर्टर 1 kW 2 kW या जितने भी आपके घर के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना इन्वर्टर ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको पूरी जानकारी दी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।